वीडियो डालने के बाद ना मुझे सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार रहता है, ना लाइक का इंतज़ार रहता है, ना ही व्यूज का इंतज़ार रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आप लोग वीडियो देख के कमेंट करेंगे, मतलब पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो में क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमने बोला है, क्या आप लोगों को बताया है, वो देख करके आप लोग वीडियो में कमेंट करा कीजिए। और हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना, रिप्लाई करना, जो भी आप लोग मुझसे पूछते हैं ना फटाफट से उसके जवाब देना। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। फिलहाल आज तो हम अच्छे नहीं हैं, हमारा सर दर्द बहुत तेज़ तेज़ हो रहा है। हालांकि रात में सर दर्द नहीं हो रहा था, सुबह जब उठे तो पता नहीं क्यों अचानक से, मेरा सर दर्द जब होता है ना तो एक साइड में ही दर्द होता है, एक साइड दर्द नहीं होता, सर में आधे सर दर्द होता है, आधे नहीं। तो बस सुबह गर्म पानी पिया है, सूझ बूझ पहन के रेडी सेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं वॉक पे जाने के लिए, हस्बैंड भी साथ में जा रहे हैं। अभी सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा है, आज बच्चों का स्कूल जाने का मूड नहीं था, तो हालांकि बच्चों ने पहले ही बता दिया था कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। और आज की वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है, तो आप लोग बताइएगा वीडियो को शूट कौन कर रहा है, यानी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है। आज मेरा मन था कि आप लोगों को ना ये जो पूरा बैकग्राउंड है खुद अपने साथ दिखाएं, बैक में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बैकग्राउंड। और देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी सड़कें हैं, खूब जल्दी जल्दी वॉक करते हैं। तो आप लोग बताइएगा वीडियो को शूट कौन कर रहा है। और हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आज मेरा 3 राउंड हुआ था, 3 राउंड मीन्स 6 किलोमीटर। आप लोग पूछते हैं 3 राउंड मतलब ये पूरा यूनिवर्सिटी का बड़ा वाला पूरा चक्कर लगाएंगे ना, तो एक चक्कर के 2.5 किलोमीटर और 5.5 5 5 2 7 हाँ लगभग लगभग 6 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं और मौसम इतना प्यारा था, हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी, बारिश की वजह से ही बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे, उनका मन भी नहीं था। और बच्चे जब नहीं स्कूल जाना चाहते ना तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करते, कहते हैं चलो कोई बात नहीं है। और हम सब के वैसे तो हम लोग अपना ध्यान कभी नहीं रखते, लेकिन कभी कभी ना जब कोई बात हमारे दिल पर लग जाती है या फिर हमें दिल से बुरी लग जाती है तो उस टाइम पर ना कहते हैं कि चलो अब हम बदल डालते हैं, चाहे खुद को बदलने की हो या फिर कोई चीज़ भी बदलने की हो, तो कहते हैं नहीं अब ये चीज़ अच्छी नहीं है ना, या फिर किसी आदत के बारे में ही समझ लो कि आदत अच्छी नहीं है तो इसको बदल डालते हैं। तो बस मेरा भी कुछ वैसा ही हाल है, अगर हमने जिद पकड़ ली है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। और हस्बैंड को बच्चे देख के बोल रहे थे कि पापा फुटबॉल खेलने जा रहे हैं क्या, और यहाँ पे कबूतरों का डेरा डाला हुआ होता है, यहाँ पे चारा डाल देते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से कबूतर आते हैं खाते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है पीछे, आप देख सकते हैं मतलब कि नज़रें हटती नहीं हैं, ये व्यू इतना सुंदर लगता है, आँखों को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है देख के ना, इसलिए मैं सब कुछ भूल कर अपने लिए टाइम निकाल कर वॉक करने जाती हूँ। इतना प्यारा प्यारा मौसम, आजकल आंवले का मौसम हुआ है ना तो बहुत सारे आंवले गिरे हुए थे, मन तो हो रहा था कि ले आए बीन करके, फिर अजीब सा लग रहा था ना, फिर नहीं ले आए बीन करके। और यहाँ पे हस्बैंड के हाथ में है कैमरा, वो संभाले हुए हैं और शूट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे भी सिखाओ थोड़ा बहुत शूट करना, शूट कैसे किया जाता है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, चलो मुझे करने दो पहले अपना काम। और जब वॉक करते हैं ना, वीडियो शूट होती है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जो वीडियो शूट करके रखे रहते हैं वॉक वाली, वही कभी कभी ऐड कर देते हैं, ऐसा रोज़ डेली नहीं होता। देखिए जगह तो वही है, रोज़ सेम जगह है, सेम जगह जाना है, तो ये होता है जाना तो रोज़ ही है, फिर कैमरा लेके क्या जाना है। लेकिन आप लोग कहते हो ना वही पुरानी वीडियो डाल देते हो तो अच्छा नहीं लगता, देखिए भाई पुरानी हो वीडियो या फिर नई हो वीडियो तो वीडियो होती है। और बस वॉक करके लौट चुके हैं, 3 राउंड आज वॉक किए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाने थे तो मेरे पास टाइम था। देखिए मुझे बच्चों को और घर को सबको संभालना है, आज बनाएंगे करी पत्ते वाला पानी, टेस्ट में बेस्ट है करी पत्ते का पानी, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन हमने पिया तो मुझे टेस्टी लगा, तो उसके बाद से हमने ट्राई किया, तो आज फिर से हमने करी पत्ते वाला पानी बनाया है, आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है, इसको पियेंगे कभी मतलब कि 10 दिन 15 दिन तो ही पता चलेगा, वैसे स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है, करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये हम सबको पता है। और मेरा सर दर्द अभी जा नहीं रहा था, और सर दर्द ना गर्म पानी पीने से चला जाता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से चला जाता है, लेकिन हाँ दर्द हल्का हो जाता है गर्म पानी पीने से। तो दोबारा हमने गर्म पानी पिया है और चाय बना दी है सबके लिए, बच्चों के लिए भी आज चाय बनाइए, आधी आधी कप चाय बनाइए थोड़ी थोड़ी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दही की रेसिपी, दही कैसे जमाते हैं। दही बनाने के लिए सबसे पहले दूध को अच्छे से गाढ़ा करना होता है, यानी अच्छे से खौला लेना होता है,
जो दूध हमारा होता है ना, जैसे आपने एक लीटर दूध लिया है तो इसमें से बस एक भाग दूध जला दो, जब दूध गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा तो उसकी दही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट गाढ़ी जमेगी। और ये है दही, जिसको हम जोरन बोलते हैं। दही यानी जो हमने दही जमाया था उसमें से थोड़ा सा दही बचा के रखते हैं दही जमाने के लिए, क्योंकि दही से ही दही तैयार होती है। तो बस दही डाल के इसको एक बार चम्मच से चला के बस ढक के रख देना है रात भर के लिए। सुबह आपकी दही परफेक्ट जम जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट दही जमी हुई है और बिल्कुल मीठी दही जमती है। देखिए अभी फ्रिज में नहीं रखा था, ये बाहर ही रखा था, अभी इसको फ्रिज में रख दीजिए, एकदम ठंडा ठंडा दही बनके तैयार हो जाएगी। फिलहाल बच्चों को स्कूल जाना था नहीं, तो फिर लंच वंच बनाना था नहीं, तो हमने सोचा चलो झाड़ू पोछा कर लेते हैं टहल के आने के बाद, और झाड़ू पोछा हो जाने के बाद फिर स्नान ध्यान कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। घर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है झाड़ू पोछा मेरे घर में, क्योंकि घर में इतने सारे छोटे छोटे सामान, बड़े बड़े सामान होते हैं, इन सबको हटा के पोछा लगाना ना सबसे बड़ा काम होता है। पोछा लग गया तो जानो घर के सारे काम हो गए। आ जाइए आप सब लोग भी नाश्ते में शामिल हो जाइए। दलिया लिया हमने एक कप क्वांटिटी में, कभी कभी आधा बाउल ले लेते हैं, कभी कभी एक कप लेते हैं। देखिए हम जब कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खाएंगे, हद से ज़्यादा नहीं खाएंगे, यानी गले तक नहीं खाएंगे, तो वो चीज़ हमें कभी नुकसान नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने गुड़ वाला दलिया लिया था नाश्ते में, हालाँकि फ्रूट था लेकिन हमने सोचा कि चलो आज दलिया बना लेते हैं। एक दिन पहले भी दलिया बनाया था, तो आज दो दिन लगातार दलिया बनाया। उसके बाद दलिया खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद सबसे पहले हम दाल रख देते हैं। तो इसमें अरहर की दाल है, पानी डाल दिया, हल्दी नमक डाल के बस इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। अरहर की दाल में दो सीटी लगती है, दो सीटी में अच्छे से दाल हमारी गल जाती है। जब आप दाल को पहले से धुल के रखेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो सीटी लगानी है, तीसरी सीटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम दाल और चावल को पहले से ही धुल के रख देते हैं, यानी स्नान करने से पहले ही दाल चावल धुल लेते हैं। और यहाँ पर जब तक हमारी दाल हमने पकी तब तक ये कटिंग चॉपिंग कर लिया है। यहाँ पर हम बनाएंगे भिंडी वाली दाल, जो कि मेरे घर में सबकी फेवरेट हो गई है। आज तक हमने भिंडी वाली दाल सिर्फ अपने जीवन में एक बार बनाई, दोबारा आज बन रही है। तो सबसे पहले हमने कटिंग चॉपिंग करेंगे, उसके पहले यहाँ पे टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर की प्यूरी इसलिए होती है ना, तो कोई चंक्स हो जैसे छिलके हों तो अच्छे से मैश हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दाल तड़का के लिए तैयार कर रहे हैं, दाल के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी बनानी है नहीं। तो यहाँ पे भिंडी वाली दाल, साथ में चावल, रोटी, चटनी, आज के हमारे लंच में यही है। जब बच्चे स्कूल नहीं गए तो हमने सोचा आज सब्जी बनाएंगे ही नहीं, चलो मूड नहीं है। वैसे हालांकि ये सब्जी दाल, दाल सब्जी आप दोनों कह सकते हैं, मिक्स है। भिंडी हमने इसमें फ्राई करके डाला है। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेना, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, क्योंकि इस दाल में डालने के बाद गल जाएगी। हल्की हल्की इसको मतलब टाइट रहने देनी है, ज़्यादा गलाना नहीं है भिंडी को, बस फ्राई करके निकाल लेना है। तो बस भिंडी फ्राई हो चुकी है, इस घी कढ़ाई में हमने घी डाला है दो चम्मच बड़े, और इसमें हम तड़का लगा देंगे। कढ़ाई बिल्कुल साफ है, इसको धुलने उलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसी भिंडी फ्राई की है। तो सबसे पहले तड़के में हमने सूखी लाल मिर्च, जीरा और कसूरी मेथी का तड़का लगाया है। भुनी हुई कसूरी मेथी का स्वाद अलग आता है, जो हम ऊपर से डालते हैं उसका स्वाद अलग आता है, दोनों मतलब अलग अलग तरीके से स्वाद देता है। अब जैसे मर्जी हो ऐसे ट्राई कर सकते हैं, हम दोनों ट्राई करते हैं। जैसे एक बार हमने तड़के में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, उसके बाद जब दाल हमारी पूरी पक के रेडी हो जाती है तो थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची पकने के बाद टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है, इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। साथ में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, गरम मसाला बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। बस इन सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है और इनको ढक देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमारा मसाला है, टमाटर की प्यूरी है, वो अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे, क्योंकि हमारी दाल पकी हुई है। और जब मसाला हमारा अच्छे से पका रहेगा, यानी तड़का अच्छे से एकदम फ्राई हुआ रहेगा, तो ही दाल का असली टेस्ट आएगा। और दाल आज हमने हल्की सी पतली बनाई है, क्योंकि ये दाल जो होती है ना, जैसे जैसे ठंडी होती है तो गाढ़ी होती जाती है, और अभी ये इसमें उबाल आएगा, पकेगी थोड़ी टाइम तो और गाढ़ी हो जाती है। इसलिए आज हमने दाल पतली ही बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल हो जाती है ना तो रोटी के साथ अच्छी नहीं लगती, चावल के साथ तो गाढ़ी गाढ़ी दाल अच्छी लगती है। तो बस इसमें ऐड कर दिया है फ्राई की हुई भिंडी, बढ़िया दाल वाली भिंडी, या फिर कहें भिंडी वाली दाल लग रही है ना बिल्कुल टिमटिम। साथ में इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, हल्का सा ऊपर से, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और स्वाद में भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। साथ में ऐड कर देंगे धनिया की पत्ती,
आप जिसके साथ इसको एंजॉय करना चाहते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ आप एंजॉय करें। लग रही है ना बढ़िया, बिल्कुल टिमटिम, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनी थी। साथ में कुकर को हमने खाली किया है जिसमें दाल बनाई थी, ऐड कर देंगे इसमें चावल। चावल में आप चाहे तो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी डाल दें, जैसे कोई कोई चावल बहुत चिपको चिपको होता है ना, इसमें थोड़ा सा घी डाल दें। वैसे ये पुराना चावल है तो खिले खिले चावल बनते हैं, इसलिए ऐड नहीं करते हैं। जब ठंड के मौसम में नए चावल आते हैं तो थोड़ा सा घी नमक ऐड कर देते हैं। अब हम बना लेंगे चटनी। चावल चढ़ा दिया है तो सबसे पहले जार में हमें सेंधा नमक डाला है। इसमें टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना तो इसको धुला नहीं है, बस इसमें चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो इसमें धनिया, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, जीरा, नमक सब कुछ ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेना है। और जब भी मिक्सी चलाते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि चटनी कभी कभी ना बाहर आ जाती है। तो ये है ना टिमटिम वाली हमारी दाल वाली भिंडी, लग रही है ना, आप इंजॉय करें दाल के साथ। और ये देखिए हमारी धनिया टमाटर की हरी चटनी बनके तैयार है, फर्स्ट क्लास। आ जाइए आप लोग आज हमारे लंच में ना, एकदम बिल्कुल सिंपल सादा लंच बना है, सादा भोजन उच्च विचार कह सकते हैं। दाल है, रोटी है, चटनी है, सलाद है, हालांकि दही भी हमने जमाई थी, परफेक्ट जमी थी, लेकिन चटनी के आगे दही का कोई मतलब नहीं। चाहे तो खीरे का रायता भी बना लेते, लेकिन आज दाल इतनी स्वादिष्ट बनी थी क्योंकि मुझे पता था पिछली बार जब हमने दाल बनाई थी ना तो बहुत ही स्वादिष्ट थी, तो मुझे पता था इसके आगे कोई रायता वायता नहीं खाएगा, सिर्फ चटनी चलेगा। तो बहुत ही मतलब स्वादिष्ट था, खाने को आराम से खाना है, 32 बार चबा के खाना है। खाना खाते समय आप एकांत में खाएँ और किसी से बात ना करें, सबसे अच्छी और बेस्ट बात जो होती है ना 32 बार आप चबा के खाने को खाएँ। आजकल खाना जल्दी हो जा रहा है यानी 1 बजे, तो शाम के टाइम फ्रूट मतलब भूख सी लग जाती, तो यहाँ पे हमने फ्रूट ले लिया है, एक सेब कट किया है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आज मेरे साथ कोई टहलने नहीं आया, सभी लोग मार्केट गए हैं, सभी लोगों का त्यौहार है सभी के घर में। और मेरा क्या होता है, मैं बहुत ही ज़्यादा कम मार्केट जाती हूँ, हस्बैंड ही जाते हैं, जो भी सामान लेना होता है या फिर लाना होता है वही लाते हैं। और मौसम आप पीछे देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा हरियाली होता है, कितना बढ़िया प्यारा मौसम लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह और शाम के टाइम का मौसम। क्योंकि आज मेरे साथ कोई गया नहीं था, हम अकेले गए थे, तो जब हम अकेले जाते हैं ना तो टाइम से जल्दी घर लौट आते हैं रात होने से पहले, क्योंकि इतना सारा जंगल है। और आज सभी लोग मार्केट गए हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि त्यौहार है तो सभी लोग मार्केट आना जाना लगा रहता है। तो अकेले गए, टहल के आ चुके हैं और अब घर पहुँच जाएंगे। घर पहुँच के बाद वही घर के काम काज शुरू करेंगे। आज सुबह से आप लोगों से बातें नहीं की तो हमने सोचा कि चलो बातें कर लेते हैं। आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे ना, घर पे ही थे, तो जब बच्चे घर पे रहते हैं तो समझ लो पूरा दिन हूँ हल्ला होता रहता है घर पे और बस चलता रहता है। सुबह से ही आज बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, मतलब सर दर्द के बावजूद भी सुबह और इस टाइम टहलने आए, तो चलिए चलते हैं घर।